तो देखिएगा हमारे अब जो नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है दैट इज कैश बुक। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक बेसिकली क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। मतलब जितनी भी कैश से आना जाना है वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना, चाहे कैश रिसीप्ट हो चाहे कैश पेमेंट हो। इन इट स्टार्ट विद दिस कैश और बैंक बैलेंस, मतलब ये जो बुक कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले उसका कैश का बैलेंस लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस, कि कितना कैश हमारे पास रखा हुआ है, कितना बैंक में पैसा रखा हुआ है, ठीक है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जनरली इट इज मेड इन द मंथली बेसिस, ये मंथली बेसिस से बनाई जाती है। दिस इज वेरी पॉपुलर बुक एंड इज मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिटेबल, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये बुक को जरूर बनाती है, बहुत पॉपुलर बुक है। इट सर्व द पर्पज ऑफ बोथ द जर्नल एज वेल एज द लेजर, ठीक है ना, अकाउंटिंग, ये दोनों चीजों के लिए हेल्प करती है। ये आपको जर्नल बनाने के लिए भी हेल्प करती है और लेजर बनाने के लिए करती है। इट इज ऑल्सो अ बुक ऑफ ऑरिजिनल बुक और एंट्रीज, इसमें ऑरिजिनल एंट्रीज होती है। व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड नो सेपरेट अकाउंट फॉर द कैश और बैंक सेपरेटली इन द लेजर। मतलब अगर कैश बुक बना रहे हो तो फिर कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ना, लेजर बनाया था हमने कैश का, अगर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश और बैंक का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। अब इसमें क्या होता है, तीन तरीके की बुक होती है। मतलब एक होती है सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की बात रिकॉर्ड होती है, कैश का आना और कैश का जाना। इसमें दो साइड है, एक साइड ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक साइड है इस जगह से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये हमारी दो साइड है। जितना भी पैसा आना होगा, आने वाला साइड ये है और जाने वाला ये है, कि मतलब जब भी, लेकिन इस वाली सिंगल कॉलम में, मतलब सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कैश की बात रिकॉर्ड होगी, कैश का, सिर्फ कैश आया और कैश गया, तो उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट ये बनेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। फिर इसके बाद अब इसमें देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें कैश है यहाँ पर, अब कैश बुक बनानी है इसकी। अब हमारे पास कैश इन हैंड रखा हुआ है, कि बोला जा रहा है 30,000 रुपये हमारे पास रुके हुए थे ओपनिंग। फिर उसके बाद कैश रिसीव हुए गुरमीत से, तो यहाँ पर जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जगह पे ये हमने सबसे पहले क्या करा, कैश ये हमने बताया कि हमारे पास बैलेंस रखा हुआ है कितना, 30,000 रुपये हमारे पास बैलेंस रखा हुआ है, 30,000 हमने यहाँ पे रख लिया कैश इन हैंड। भाई जब आने वाली साइड ये वाली है तो इसका मतलब है आने वाला बात यहाँ पे लिखी जाएगी, तो पैसा हमारे पास जो ओपनिंग रखा हुआ है, जो पिछले महीने से उठकर आया है, वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, कि हमने बोला 1 नवंबर में 30,000 रुपये हमारे पास रखे हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से पैसा आया, तो मैंने जैसे बताया था पैसा आया है तो 12,000 रुपये यहाँ पर आ गए और नाम किसके चढ़ गया, गुरमीत। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये पे करे, तो पैसा गया, ठीक है, तो 6,000 रुपये यहाँ पर इस जगह पे चले गए, क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज कराया गया, तो ये नहीं बताया कि कैश के थ्रू कराया या बैंक के थ्रू, तो जब नहीं बताया गया होता तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कैश के थ्रू ही करा होगा, तो इसका मतलब है पैसा गया 13,800 का, तो 13,800 यहाँ पे लिख दिए गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेम सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है ना, 28,000 रुपये का पैसा बेचा, तो हमारे पास 28,000 रुपये आए, ठीक है, 28,000 रिकॉर्ड कर दिए। परचेज स्टेशनरी, फिर 1,100 रुपये गए स्टेशनरी परचेज करी, तो पैसा गया, तो यहाँ पर हमने स्टेशनरी रिकॉर्ड कर दी 1,100 रुपीज। फिर उसके बाद कैश पेड टू रुक्मणी, फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट, 12,500 का पैसा दिया, तो पैसा दिया तो इसका लग गया, तो 12,500 फिर यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सोल्ड गुड्स करा कमल को, कमल को कैश में बेचा, तो 18,200 तो यहाँ पर आ गए, पैसा आया जब। उसके बाद पेड मंथली रेंट, रेंट पे करा 2,500, तो पैसा गया, तो पैसा गया तो यहाँ पे 2,500 आया। तो जब भी आ रहा है पैसा तो यहाँ पर, और जा रहा है तो यहाँ पर, और किस वजह से आ रहा जा रहा है वो यहाँ पर रिकॉर्ड। इसके बाद फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा गया तो कैश गया तो यहाँ पर आ गया। अब सेम इस जगह का टोटल करा 88,200 आ गया, इस जगह का टोटल करा, इस जगह भी टोटल कितना आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों में से ज्यादा साइड कौन सी होगी, ये होगी। और हमेशा कैश का लेजर की कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाली साइड बढ़ जाए और ये घट जाए,
ऐसा हो सकता है किसी केस में? कभी कभी ऐसा कभी हो सकता है ऐसा कि ये वाली साइड ज्यादा हो और ये साइड कम हो, ये वाली ज्यादा हो। अभी तो क्या है, ये वाली साइड बड़ी है, मतलब इस वाली साइड का टोटल जो है इस साइड के टोटल से ज्यादा है। कभी इस साइड का टोटल ज्यादा आ सकता है? आ सकता है कब? कभी तुम्हारे पास 10 रुपए रखे हुए, तुमने 12 रुपए की चॉकलेट खा सकते हो? तुम्हारे पास 10 रुपए के नहीं, तुम्हारे पास 10 रुपए रखे हुए, तुम ये बोलो मैंने कैश में कैश देके तुम्हारे को मैंने सुबह दिए 10 रुपए, और आप बोल रहे हो कि मैं आज 12 रुपए की चॉकलेट खा के आई हूँ और मैंने 12 रुपए दे भी दिए उसे, ऐसा हो सकता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं झोल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता। कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं जा सकता, ठीक है? अगर जा रहा है इसका मतलब है आप अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है? तो हमें हमेशा ही होगा ना, ये वाली साइड ज्यादा होगी क्योंकि पैसे आने वाली है ना, ये आने वाली साइड जो है हमेशा ज्यादा होगी। जब पैसे हमारे पास होंगे तभी तो खर्च होंगे, क्या तो आ रहा है तभी तो जा रहा है, अगर हमारे पास पैसा है नहीं तो मैं दूंगा कैसे? करेक्ट है ना? तो ये हमेशा इस साइड वाली, ये वाली साइड जो है सबसे बड़ी होगी और इधर कुछ बैलेंस आएगा। ये बैलेंस बचने का मतलब है इतना पैसा अभी बचा हुआ है हमारे पास जो नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, मतलब सॉरी मंथ के लिए, दिसंबर के लिए हमने ओपनिंग कर दिया कि अभी बुक्स में हमारे पास 23,400 रुपये रखे हुए, करेक्ट है ना? 88,200 में से इतना खर्चा माइनस करने के बाद बचा हमारे पास 23,400, वो हमने आगे कर दो। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ये वाला, ये जो बैलेंस है ना, ये वाला, ये बैलेंस है ना पिछले महीने का, कैरी डाउन करना ना। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब बना रहे हो तो कैरी डाउन ही तो करा इसने, लेकिन कभी कभी यहाँ पे CFB लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, जब पेज खत्म हो जाता है ना और जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब कि पेज खत्म हो गया और आप नीचे डालने के लिए, डाउन डाउन करने के लिए नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए, राइट? तो कैरी फॉरवर्ड आता है अगर आपका बैलेंस बिल्कुल पेज के नीचे आ गया कभी किसी टाइम पे, राइट? कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको देखने के लिए मिलेगा कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है, BD क्या होता है ना? तो ये इस चीज से पता चलेगा। तो ये हमारा क्या था, सिंगल कॉलम कैशबुक। अब नेक्स्ट आगे करेंगे डबल कॉलम कैशबुक।